नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। अंबाला में दीपावली की आधी रात को अंबाला छावनी की ईदगाह रोड पर कबाड़ी बाजार चौक स्थित एक मोबाइल शॉप में भीषण आग लगने से लाखों का सामान स्वाहा होने की खबर है। आपको बता दें कि इसी मोबाइल की दुकान के ऊपर एक होटल भी है जहां पर रह रहे लोगों को आनन फानन में बाहर निकाला गया। अंबाला छावनी फायर ब्रिगेड के ASFO प्रमोद कुमार ने बताया कि उन्हें आग लगने की सूचना रात में 12 बजे के करीब मिली थी। तत्काल ही मौके के लिए फायर ब्रिगेड की दमकल भेजी गई। 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद देर रात 1:30 बजे तक आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में फायर ब्रिगेड की तत्काल की गई कार्यवाही के चलते आसपास की दुकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यदि आग और तेजी से फैलती तो आसपास की दुकानों को भी काफी नुकसान हो सकता था। फिलहाल आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इसी बीच हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने दुआ कम्युनिकेशन पर पहुंचकर जतिन दुआ और रोहित दुआ से देर रात को उनकी दुकान में लगी आग के बारे में जानकारी ली और उनका हौसला बढ़ाया। मोबाइल शोरूम के संचालक जतिन दुआ ने बताया कि दीपावली की रात को पूजा आदि करके वे अपने घर चले गए। दुकान के पास ही उनका घर भी है। रात करीब 12:45 बजे किसी ने बताया कि मोबाइल शोरूम में आग लगी है। तुरंत मौके पर पहुंचे तो देखा भीतर आग लगी है। इसी दौरान सबसे पहले शोरूम के ऊपर बने होटल में रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी फोन कर दिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आसपास लोगों की अच्छी खासी भीड़ लग गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। शोरूम का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जबकि शोरूम पूरी तरह से जल गया है। ये गनीमत रही कि होटल से लोगों को तुरंत निकाल लिया गया। आसपास की दुकानों को हल्का नुकसान हुआ है जबकि सामान बच गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।